सो एक दो दिन पहले मुकेश खन्ना ने कल की मूवी को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट ये दिया है कि कल की मूवी में जो कृष्ण भगवान है इनके प्रेजेंस को ना वैसा नहीं दिखाया गया है जिस तरीका से कर्ण के प्रेजेंस को दिखाया गया हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने इस फिल्म के मेकर्स को थोड़ा लताड़ दिया है। इनका ये चीज़ें कहना है कि कल की मूवी के मेकर्स ने ऐसा फिल्म बना दिया है जो फिल्म सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों को समझ में आएगी, बिहार और उड़ीसा के लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। सो यहां मैं एक चीज बोलना चाहता हूं मुकेश खन्ना सर से, सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मोतिहारी चंपारण से बिलोंग करता हूं, जहां से गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट करा हुआ था। मेरा जो होम टाउन है ना, वहां संजय सिनेप्लेक्स है, माधो है, पायल थिएटर है, इसके अलावा संगीत थिएटर है। चारों जगह ये फिल्म लगभग लगा हुआ है और चारों जगह अभी भी ये फिल्म की ऑक्युपेंसी काफ़ी अच्छी निकलती हुई दिखाई दे रही है और ये फिल्म को लोग वहाँ अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स अभी भी देखने जा रहे हैं। इसके दूसरे वीक में भी 45-55% की ऑक्युपेंसी निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं बता दूँ बिहार से ये फिल्म ना 10-12 crore का भाई कलेक्शन लिया हुआ है, जो कि बहुत बड़ी कलेक्शन है और ये नेट कलेक्शन में तुमको बता रहा हूँ। और वैसे ही जब भी मैं उड़ीसा का कलेक्शन चेक कर रहा था कि कल की मूवी उड़ीसा से कितना कलेक्शन कर रही है, तो वहाँ से भी 9-10 crore की कलेक्शन ले रही है। बट यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ मुकेश खन्ना सर से, क्या ये दिल्ली के लोग बिहार जा रहे हैं मोतिहारी जाके इस फिल्म को देख रहे हैं, या फिर आपके ऑफिस के लोग आके देखने जा रहे हैं इस फिल्म को बिहार में, या मुंबई से लोग आ रहे हैं, साउथ से लोग आ रहे हैं बिहार में ये कल की मूवी को देखने के लिए, कहाँ की पब्लिक आ रही है? सो इस टाइप से जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, इससे आपको पता चलता है कि आप बिहार और उड़ीसा के लोगों को किस वे से देखते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस आपको ना ऐसा स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, बिकॉज आप जिस मुकाम पर बैठे हो, जिस पोजिशन में बैठे हो, इस टाइप से आप स्टेटमेंट देखें ना, जो आपकी रेस्पेक्ट है ना हम लोगों की नज़र में, आप ना कम करते जा रहे हो। बिकॉज आपको ना हम लोगों शक्तिमान के रूप में देखा करते हैं, उस छवि में देखा करते हैं, उस छवि को आप धूमिल ना करो सर, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। बिकॉज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस फिल्म में, मीन्स कल की 2898 AD में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और आप इस फिल्म को YouTube पे बैठ के इसका रिव्यू दे रहे हो, और आपने खुद बोला हुआ था कि अमिताभ बच्चन मेरे जूनियर रहे हुए हैं, अमिताभ बच्चन स्टिल अभी भी अश्वत्थामा का कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, कल की जैसे बड़े फिल्में कर रहे हैं, और आप YouTube पे सर बैठ के रिव्यू दे रहे हो। ये हम लोग जब भी देखते हैं ना सर, आप पता नहीं आप इसे किस वे में लोगे, लेकिन हम लोग को आपको देख कर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ऊपर से बुरा और ज़्यादा लगता है जब आप इस टाइप से स्टेटमेंट देते हो। और रही बात आप जो बोल रहे हो कि यह फिल्म में कृष्ण जी भगवान के प्रेजेंस को कम करके दिखाया गया है और कर्ण के प्रेजेंस को थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है, तो आपसे मैं यही चीज़ें बोलना चाहता हूँ, क्लाइमेक्स में जो नागसमीन दिखाया हुआ है वो जस्ट 1% है। यह फिल्म के दूसरे पार्ट को आने दीजिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा जो कृष्ण भगवान का कैसा कैरेक्टर है, किस तरीके से नागास्विन ने प्रेजेंट करा है, इसके अलावा कर्ण को किस तरीके से नागास्विन ने प्रेजेंट करा हुआ है। बिकॉज मैं ये फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ, जब ये फिल्म का प्रोजेक्ट के हुआ करता था, जब ये फिल्म का नींव रखा गया था, तब से मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है सर कि एक्चुअली में ये फिल्म में क्या पोटेंशियल है और ये फिल्म के मेकर्स क्या बना रहे हैं। जितने भी लोग हैं भाई, मैं आप लोग से भी यही चीज़ें बोलना चाहता हूँ, आप लोग देखना इसका पार्ट 2। आपको प्राउड नहीं फील हुआ तो मेरा नाम बदल लेना, क्योंकि मैं भी यहीं रहूँगा, आप लोग भी यहीं रहोगे। आप लोग सीरियसली एकदम गर्व से बोलोगे यार कि हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स ने कितनी बेहतरीन तरीका से हमारे महाभारत को तो प्रेजेंट करा हुआ है स्क्रीन पे। बाकी इस पर आप लोगों को क्या कहना है, अपना ओपिनियन कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस टाइप से मुकेश खन्ना का हर फिल्म पे, हर टॉपिक पे कमेंट करना कितना जायज़ है।